एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है बेटा देखो, एग्जाम्पल 18 है आपके पास, फैक्टराइज करना है बेटा, फैक्टराइज किसको करना है देखो, इसका फर्स्ट पार्ट 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर, ये है आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। देखो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं फिर सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फॉर्मूले जो आपको लिखाए हैं वो आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बेटा थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें देखते हैं बेटा, हम ध्यान देना सारे बच्चे इधर बोर्ड की तरफ, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप उसमें चाहे a और b माने या x और y माने, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया इतना आपको, सभी बच्चों को आ गया समझ में, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो क्या हम इस फॉर्मूले को उल्टा लिख सकते हैं? उल्टा लिखने का मतलब है ये चीज पहले और ये बाद में, एक ही तो बात है, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, बात तो एक ही दोनों, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बेटा फॉर्मूला, लिख सकते हैं उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब हमें क्या करना है ये देखो, जब हम इसको ये लिख सकते हैं बेटा, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में कैसा दिया है ये देखते हैं। क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है वो बेटा इस टाइप का दिया है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, यहां से क्वेश्चन से देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, जो 49a स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, इसको लिख सकते हैं हम 7a का होल स्क्वायर। इतना सबको आ गया, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में आप केवल और केवल ए स्क्वायर वाला और बी स्क्वायर वाला पार्ट लिखो, बाकी बिल्कुल आसान है, अपने आप हो जाएगा। आपको हर में कुछ नहीं गलत जल्दी इसमें लगे रहो फिर इसमें लगे रहो फिर इसमें, आपको पहले स्क्वायर वाले देख लो बस, आपने ए स्क्वायर लिखा इससे और इससे लिखा बी स्क्वायर, मतलब 5b का होल स्क्वायर। इतना आपको आ गया, सबको आ गया इतना। अब इसके बाद जो हमें करना होता है वो क्या है बेटा, यहां जो आप लिखते हो पहला प्लस सेकंड, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड उसका होल स्क्वायर जो लिखते हो, उसमें एक तो पार्ट आता है ये वाला फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, फिर आता है 2 टाइम्स फर्स्ट इनटू सेकंड, ये तो आता है। तो यहां आपने ऐसे लिखना था, ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई, मैंने केवल और केवल ऊपर वाली लाइन को दोबारा लिखा है अपने तरीके से कि फॉर्मूले में सेट हो जाए ऐसे कैसे, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ, ताकि ये फॉर्मूले में ऐसे कैसे सेट हो जाए। आ गया बेटा इतना सबको, ये चीज फॉर्मूले में आराम से सेट हो जाएगी। अब देखो इसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाना चाहें, आपके ए का काम कर रहा है ये, बी का काम कर रहा है ये, ए टू ए बी ऐसे कैसे आ गया, लेकिन जब आप फैक्टराइज करके लिखोगे तो आपको वहां केवल और केवल ए और बी की जरूरत है, जो 7a है और 5b है, और किसी की जरूरत नहीं है, बाहर स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल सा है। बताओ आपको ये समझ में आया है नहीं आया, आंसर भी आ गया है बेटा, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया ऐसे करके लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया।
ऐसा हमें दिया था क्वेश्चन में, इसको हमने किस टाइप से लिख दिया है, आपको समझ में आ गया? लास्ट लाइन में 5b टू इंटू 70, अरे बेटा 70 नहीं है, ये 70 नहीं है, ये है 7a, ये है 7a, ये 7a है। कौन सा 7a? जो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करते हो, जिसका स्क्वायर लिखा है वो दोनों मल्टीप्लाई और साथ में 2, तो यहाँ हम स्क्वायर किसका है, तो 7a का है और 5b का है, ये है दोनों, तो ये दोनों लिखने हैं बीच में। आ गया आपको समझ में? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपके पास 25/4 का, 25/4 x² माइनस y² बाई 9, ये है आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, देखो हमें इसमें क्या बोला है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें पता है फॉर्मूला बेटा, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है 7a प्लस 5b 7a। अरे बेटा वही तो है अनु स्वामी, जो हमने लिखा है ना, आपने स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर को आप टुकड़ों में लिख सकते हो, x इंटू x, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो एक बार दोनों को माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं, तो क्या इस फॉर्मूले में देखते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास ए का होल स्क्वायर होना चाहिए, पूरे पार्ट का स्क्वायर होना चाहिए, फिर माइनस का साइन और फिर दूसरे पार्ट का स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये 25/4 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 और x² को x, क्योंकि इसको ऐसे ही लिखूंगा तो भी वही बात है, 5/2 x का होल स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x² दोनों एक ही बात है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद में आगे वाला जो पार्ट है बेटा, y अपॉन 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, उसको ऐसे लिख सकते हो। इतना आगे आपको समझ में, y² बाय 9 को कंप्लीट होल स्क्वायर बना के लिखेंगे कैसे लिख सकते, तो ये हो गया बेटा आपका a और ये हो गया b, फॉर्मूला लगाएंगे क्या आंसर आएगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो क्या आएगा देखो, 5/2x माइनस 5/3, तो ये आ गया, दूसरा आएगा 5/2x प्लस 5/3, ये आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है, नोट कर लो। कुछ बच्चों ने कर लिया, कुछ कर रहे हैं, जल्दी से कर लो, इतने फास्ट लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, जल्दी लिखो। देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपका 18 एग्जाम्पल हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 19 पे आते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 19 से पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास बाइनोमियल हो, बाइनोमियल मतलब टू टर्म वाला हो एक्सप्रेशन, उसका होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, तो टू टर्म वाले का होल स्क्वायर खोलना मैंने बता दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखे तो x² प्लस y² प्लस 2xy, दोनों एक ही बात है। अब हमें बेटा देखना है इसमें तीन टर्म हो तो कैसे करेंगे,
तो तीन टर्म का जो मल्टीप्लाई खोलेंगे तो वो क्या आएगा, देखो जैसे आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये आ गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक बार तीनों का स्क्वायर कर दो और फिर दो दो के पेयर बना दो, टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स, ये आएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोई पूछेगी सर कैसे आएगा, कैसे का जवाब ये है बेटा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो किसी भी टर्म का स्क्वायर अगर आपको पूछे तो आप क्या करते हो, x स्क्वायर कैसे निकालते हो, x इंटू x है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड को दो बार मल्टीप्लाई करने से, और मल्टीप्लाई दो बार करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x है वो एक बार x से होगा फिर y से होगा फिर z से होगा, x तीनों से होगा फिर ये y इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर z इन तीनों से होगा, और जब सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आगे इतना सब बच्चों को समझ में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना, एक बार उसको नजर मार लो फॉर्मूले पे, नहीं तो नजर लग जाएगी फिर फॉर्मूले पे, और नजर लग गई ना फॉर्मूले पे तो फिर कुछ नहीं होना आपका, इसलिए फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना। फॉर्मूला याद हो गया सबको, इधर ध्यान दे लो, फॉर्मूला याद हो गया तो सब बच्चे इधर ध्यान दो। देखो बेटा फॉर्मूला लिखा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार x का स्क्वायर एक बार y का स्क्वायर और एक बार z का स्क्वायर, फिर इसके बाद में एक बार xy को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक बार xy का पेयर फिर yz का और फिर zx का, ऐसे इनके पेयर बना दिए सबके 2 लगा, याद करना बिल्कुल आसान है, तीन चार क्वेश्चन में यूज करोगे और लिखोगे ना बार बार तो याद हो जाएगा, ऐसा मत सोचना कि एक बार देख लिया और मोबाइल की तरह फोटो खींच ली दिमाग में छप गई, ऐसा नहीं होगा, फॉर्मूले बहुत जल्दी भूल जाओगे आप अगर इनको बार बार रिवाइज नहीं किया तो, इसलिए इनको रिवाइज करते रहो। देखो आगे 19 में आ जाओ, इसमें 19 एग्जांपल क्या कह रहा है बेटा, 19 वाला एग्जांपल है, इसमें आपसे क्या पूछा है, अब इसमें ना एक्स वाई जेड मत रखना, आप बस ये ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन टर्म है और तीनों का होल स्क्वायर करना है बस, क्योंकि एक्स वाई जेड में याद करोगे तो एबीसी वाले में प्रॉब्लम होगी, एबीसी याद करोगे तो एक्स वाई जेड में कंफ्यूज होगी, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तीन टर्म दे रखे और तीन टर्म में जब होल स्क्वायर करना होता है तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेकंड वाले का थर्ड वाले का, फिर 2 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड फिर 2 इनटू सेकंड इनटू थर्ड और 2 इनटू थर्ड इनटू फर्स्ट, तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हमें सबसे पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है फिर सेकंड वाले का स्क्वायर करना है फिर थर्ड वाले का स्क्वायर करना है, फिर मैंने बताया 2 into first into second, फिर 2 into second into third, और फिर 2 into third into first, ये यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको, मैंने केवल फॉर्मूला लगाया बेटा। अब देखो हमें आंसर निकालना है, सबको खोल दो मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, बिल्कुल आसान है, 3 a का होल स्क्वायर होता है बेटा 9 a स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता, 3 a का स्क्वायर 9 a स्क्वायर होता है। इसके बाद क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर का हमें स्क्वायर को खाली
आगे का बताओ, इक्कीस दिया है, 16 बी स्क्वायर, 25 सी स्क्वायर, इतना आ गया। इसके बाद में बेटा क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई आता है आपको 24 ए बी, फिर कितना आएगा 40 बी सी, फिर कितना आएगा 30 सी ए, आ गया। यही आपका आंसर है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो, नहीं है तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा है तो जल्दी नोट करना और रिवाइज डेली करना। रिवाइज नहीं करोगे तो भी आपका कुछ नहीं होगा, रिवाइज तो करना ही करना है। कर लिया, वेरी गुड, टेक चल जाता हूं, आपने कर लिया सर। इनका इस बार करने के बाद किनका बेटा, किनका लिख दिया, अच्छा एक छोटी सी बात बेटा, प्रियांशी टेलर, बेटा आप लास्ट ईयर यहीं थे या फिर किसी और स्कूल से हो, छोटा सा यस और नो, इसी स्कूल से थे यस और नो, इसी स्कूल से, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है बताओ, ए का होल स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा ना, तो क्या मैं यहां लगाऊं या नहीं लगाऊं स्क्वायर, लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन, मैं लगाऊं स्क्वायर, लगाऊं क्या नाइन की स्क्वायर, लगाऊं नाइन की स्क्वायर लगाना है बेटा, इधर ध्यान दो, कहां ध्यान, क्या नाइन की स्क्वायर लगाना है मुझे, अब स्क्वायर तो थ्री का करना था ना, तो थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री इंटू थ्री नाइन आ गया, अब नाइन का स्क्वायर क्यों लगाएंगे हम, नाइन का नहीं लगाएंगे ना, जहां वैल्यू आपको पता रहती है ना, वैल्यू जैसे यहाँ वैल्यू पता है, वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जो अननोन पार्ट होता है ना वेरिएबल टाइप का, तो इसकी वैल्यू तो है ही नहीं आपके पास, ए तो ए ही है, तो जब वैल्यू नहीं हो तो वहां स्क्वायर लगाना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने आंसर भी निकाला है कोई कॉन्स्टेंट टर्म में। सेम चीज यहां है, 3a का होल स्क्वायर है, तो बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 की स्क्वायर तो नहीं लगाया, लेकिन जो a है, a का स्क्वायर किया है, तो a का तो a स्क्वायर होगा ही होगा, आया कि नहीं आया समझ, आ गया, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट आ जाओ आप एग्जाम्पल नंबर 20 पे, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो बताओ, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो ना। हाँ बेटा एक चीज देखो ध्यान से, अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या आएगा, प्लस को प्लस से करते हैं, माइनस को प्लस से करते हैं, प्लस को माइनस से, ये चीज पता है आपको, लगभग सभी बच्चों को पता होगी, जिसको नहीं है तो देख लो। जब भी दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं प्लस माइनस में से, जब भी दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, सेम का मतलब है तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो सेम साइन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस का ही आता है, चाहे वो दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, उनको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा बेटा, प्लस का आएगा। ये आपको आया समझ में, जैसे मैंने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी प्लस आएगा,
और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी प्लस आएगा। लेकिन अगर आप दो अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा किसमें आता है, माइनस में आता है। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इतना आ गया बच्चों आपको समझ में? क्योंकि बेटा ध्यान दो, जैसे आपने पढ़ा होगा ना माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू क्या आएगा, प्लस का फोर आता है, माइनस टू मल्टीप्लाई प्लस का टू, ये आपने पढ़ा होगा माइनस फोर आता है, ऐसा पढ़ा है ना। तो ये दो चार बेसिक चीज है याद रखना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यूज होने वाली है। अगर नहीं पता है तो लिख लेना 4a माइनस 2b माइनस 3c, 4a ये है आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल नंबर 20 है यार। देखो ध्यान से, बहुत पढ़ता है। देखो यार एग्जाम्पल नंबर 20 को जब हम करेंगे तो कुछ कुछ तो आपको 19 जैसा लग रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और वो क्या है, माइनस माइनस आ गया सब कुछ, यही कलर है। अगर प्लस होता तो आप कर लेते, अब तक तो जरूरत ही नहीं पता नहीं, क्योंकि वो तो पिछला क्वेश्चन किया ही है ना, 19 किया है ना हमने, 19 तो बिल्कुल आसान था, सब प्लस थे उसमें, और प्लस वाले तो आपको पहले से ही आते हैं। अब आगे माइनस के, माइनस वाले कैसे करेंगे ये देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसमें ध्यान देना सारे बच्चे, ये जो साइन लगता है ना माइनस प्लस का, ध्यान देखा, जो माइनस प्लस का साइन लगता है वो आगे वाले नंबर के लिए होता है। ये माइनस का 4a नहीं, माइनस का 2b है, आगे समझ में। यहाँ माइनस ये किसके लिए है, 3c के लिए, तो ये माइनस का कौन है, 3c है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 4a माइनस 2b और माइनस 3c, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता दो। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बता, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा है, लिख सकते हैं ना सब, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या करना है, होल स्क्वायर करते हैं। देखो फर्स्ट का होल स्क्वायर, सेकेंड का होल स्क्वायर, थर्ड का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, और 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। है बेटा सबको आ गया, वेरी गुड। देखो आप ध्यान से, यहां तक हम पहुंच गए, इसमें हमने केवल और केवल फॉर्मूला लगाया है, अब बचती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आंसर भी आ गया, ये तो हुआ। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आंसर आ गया, कैसे आएगा देखो। हम क्या करते हैं, 4a का स्क्वायर निकालते हैं बेटा, तो 4a का स्क्वायर कितना आता है, 16a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर आता है बेटा इतना। इसके बाद अब माइनस का स्क्वायर, मैंने बताया था बेटा प्लस होता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आ गया 4b स्क्वायर, इतना आ गया। इसके बाद में बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, c का स्क्वायर c स्क्वायर। इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, यहां पहले साइन लेके आए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही होगी, लेकिन जैसे ही प्लस दोनों का
अब ध्यान से समझ लेना, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ए प्लस है, अंदर जो भी है साइन क्या आएगा, यह एक माइनस है, एक माइनस है ना यहाँ पे, और यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या है प्लस, इससे तो मतलब है नहीं, अभी प्लस ही लिया हमने फॉर्मूले से। एक माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस ही आएगा। माइनस अगर कहीं आ जाता है तो वो माइनस ही रहता है, फिर वो कब प्लस बनेगा, जब उसे दूसरा माइनस मिलेगा। आया मेरी बात समझ में? अगर माइनस आ जाए कहीं मल्टीप्लाई में तो बाहर आके माइनस ही रहेगा, कब तक, जब तक उसे दूसरा माइनस नहीं मिल जाता। आ गया समझ में? तो इस वाले पार्ट में कितने माइनस हैं, एक ही माइनस है, अकेला माइनस तो माइनस ही रहेगा, दो माइनस आएंगे तब जाके प्लस होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब नंबर मल्टीप्लाई करो, टू फोर टू मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा शायद, और ए भी ऐसे कैसे। अब देखो बेटा, मैंने बताया ना कि एक माइनस को अगर दूसरा माइनस मिल गया तो प्लस हो जाएगा। अब देखो दूसरे पार्ट में दो माइनस हो गए, जैसे ही दो माइनस हुए दोनों माइनस क्या हो गए प्लस, और ये प्लस हो गए, टू टू जब फोर थ्री ट्वेल्व आगे इतना। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में केवल एक ही माइनस है तो माइनस आएगा 24CA, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो बेटा इसको, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो फटाफट बता देना, कोई भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, 21 एग्जांपल है। और बेटा जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप कोशिश करना कि जो एक्सरसाइज है उसमें जो जो मेथड हम पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन लगा सको, एक बार ट्राई जरूर करना। मैं इस क्वेश्चन करवाने के बाद आपको बताऊंगा फोन कॉल से करने हैं, अभी टाइम बचा हुआ है तो बता ही देता हूँ, बाद में आप जल्दबाजी में भूल जाओगे। कल करके लाने आपको एक्सरसाइज निकाल लो 2.5, इसके पास नहीं है वो लिख लेना, फिर बाद में बुक नहीं है जिसके पास तो बच्चा क्वेश्चन नंबर लिख लेना, फिर जो ऐप वगैरह होती है वहाँ पे पूरी बुक अवेलेबल है ना, वहाँ से देख लेना क्वेश्चंस। तो बेटा इसमें आपको 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, हर बच्चे करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.5 का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको करना है पूरा, जो मैंने करवा दिए ना एग्जाम्पल वही करना है। हाँ, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको नहीं आए गलत लगे तो अगली क्लास में आके पूछ लेना, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कभी आप ट्राई नहीं करो और आते ही पूछ लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 4, 5 बस क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है बेटा। और 5 आपको कब करना है ये एग्जांपल समझने के बाद, अब एक एग्जांपल करेंगे तो फिर 5 करना है। अब एग्जांपल करते हैं, कौन सा है आपका 21 है ना, देखो बेटा ध्यान से, 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz है बहुत आसान, आप तो बस एक बार ध्यान देना बोर्ड पे, क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिया हुआ है, क्या बताना चाह रहे हो बेटा। 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट, बस इसमें क्या बताना है दोबारा, 1 से लेकर 5 तक सारे करने, जो एग्जांपल हमने क्लास में कर लिए हैं उनको दोबारा करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे एक्सरसाइज। जो एग्जाम्पल क्लास में किए हैं पहले उनको दोबारा करना, फिर एक्सरसाइज लगाना। सुपरमैन की तरह नहीं सीधे एक्सरसाइज लगाओ, बाद में एग्जाम्पल देखो, नहीं आया था एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा नहीं, पहले एग्जाम्पल इसे कंफर्म करना। अब बेटा देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन लिखा है बहुत आसान है,
आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, कुछ भी नहीं करना। क्या दिया है इसमें, ऐसा निकालना है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया है तो वो तरीके से दिया हो ना, आपको x मतलब कोई फर्स्ट वाले पार्ट का स्क्वायर दिया हो तब आप बता पाओगे। समझना देखो, अगर आपको ये पता चल जाए कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, तो आपको ये तीन ही तो चाहिए यहाँ पे आंसर लिखने के लिए, आपको केवल और केवल ये तीन ही चाहिए। आपको चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन मिल गए आपका आंसर मिल गया, यही तो हुआ। देखो फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसको बना देता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ये y का स्क्वायर है और ये z का स्क्वायर है, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन अब छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या आगे सारे प्लस के थे इसमें, तो इसमें माइनस आ रहा है कई जगह, अब इसमें कई जगह माइनस है तो उसका क्या करें हम, इसमें कई जगह माइनस है इसका मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने माने हैं इनमें कोई ना कोई माइनस का होगा, तभी तो आ रहा है माइनस। अब इसमें कौन है माइनस का, मतलब फर्स्ट माइनस का है या सेकंड माइनस का है या थर्ड माइनस का है, इसको पता करने के लिए एक छोटी सी चीज देखनी है, बिना लिखे ही समझ जाओ, मैं लिखूंगा भी नहीं आप बता दोगे। सेकंड कैसे पता, मेरे को बताओ कैसे पता चला, इतनी फास्ट नहीं आता मेरे को। अरे वो तो सही है भाई, माइनस का है क्यों है, अच्छा मैंने फॉर्मूला लगा के देख लिया, वेरी गुड। मेरे को इतना नहीं आता है, जो आता है वो बता रहा हूं आपको, केवल और केवल आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी जरूरत है, और इनमें बस ये देखना है कौन माइनस का है, कौन माइनस का है, जो जो माइनस के हैं उन पे चले जाओ सीधे के सीधे। एक तो आपका ये माइनस का है और एक ये माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, इनमें कॉमन कौन है, इनमें कॉमन कौन है, एक्स वाई जेड में से देखना है कॉमन कौन है, वाई कॉमन कौन है इसमें, वाई, वाई मतलब सेकंड वाला पार्ट, तो वही आपका क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारा आंसर है 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। जो मेरे को आता है वो ठीक है, समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया, जो मेरे को आया मैंने समझाया आपको, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास केवल इतनी ही, इसको रिवाइज कर लेना, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ध्यान रखना जो क्वेश्चन बताए उनको आप एक बार जरूर ट्राई करो, अटेम्प्ट करोगे तो डाउट आएगा।